बात जरा जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां पर आतंकवाद को लेकर सेना इस वक्त सख्त नजर आ रही है और सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। बारामूला में सेना ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। एक बड़े हमले के बाद यह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है और आतंकी हमले के बाद सेना ने यह सर्च ऑपरेशन चलाया है। पूरे इलाके को इस वक्त घेराबंदी कर दी है और घेराबंदी कर वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जिन आतंकियों ने वहां पर हमले को अंजाम दिया था, जिसमें हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए थे, कुछ पोर्टर भी उसमें मारे गए थे, उसके बाद तुरंत वहां पर सेना ने हाई एक्शन में आकर जो वहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं उनका सर्च ऑपरेशन कर रही है। तमाम जो तकनीकी उपकरण हैं उनके सहारे से उनको ढूंढा जा रहा है। हेलीकॉप्टर से हवाई नजर बनाई जा रही है, ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर छानबीन की जा रही है और खुद सेना के जवान फिजिकली जमीन पर उतरकर जो है वो उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से साफ तौर पर ये देखने को मिला था, जहाँ पर आतंकवाद को लेकर सख्त रुख अपनाया हुआ है, पर सबके बीच में जैसे सरकार बनती है उसके ठीक कुछ ही दिनों के अंदर चार बड़े हमले होते हैं और ये हमला बहुत बड़ा हमला था। उससे पहले भी हमने देखा था सोनमार्ग के जहाँ पर टनल काम में लगे हुए श्रमिकों पर टारगेट किया गया था, वहाँ पर 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है और अब ये घात लगाकर बैठे हुए आतंकवादियों ने सैन्य वाहन को निशाना बनाया, जिसमें कि 3 जवान शहीद हो गए और 2 पोर्टर भी शहीद हुए। और लगातार जिस तरह से पोर्टर जो है काफी अहम भूमिका निभाते हैं फौज के लिए और उसके बाद उनको भी अब टारगेट किया जा रहा है, पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि इनको नस्तनाबूद करने के लिए किस तरह के कदम जो है वो गवर्नमेंट उठाएगी, एजेंसीज उठाएंगी, किस तरह से पूरी तरह से ये कदम उठाए जाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार निगरानी बनाई जा रही है, पर हमेशा अटैक होने के बाद ही निगरानी बनाई जाती है, उससे पहले पता नहीं चलता ये लोग कहां से आते हैं और कहां पे अटैक करके निकल जाते हैं। साथ और हर किसी ने इस बात की निंदा की है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, हर किसी ने इसकी निंदा की है, इस घटना की निंदा की कि इस तरह से पाकिस्तान अगर सोचता है कि वो कश्मीर को पाकिस्तान बना देगा वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। अगर रिश्ते ठीक करने हैं तो ये खून खराबे का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, उसको शांति बहाली करनी पड़ेगी। तो बड़ी बात है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पर कब नस्तोनबूद होंगे, कब जम्मू कश्मीर शांति बहाली की राह पर चलेगा, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट बनती है ठीक उसके कुछ ही दिनों के बाद 4 बड़े हमले एक सवाल खड़ा करते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि अभी अभी सरकार का गठन हुआ और सरकार के गठन होने के बाद ही आतंकवादियों ने एक बार फिर से अपनी जो धार है वो जमाने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर की है, खास तौर पर कश्मीर घाटी, जिसे पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ समय से ये कहा जा रहा था कि अब आतंकवाद फ्री हो चुका है, आतंकवाद वहां से मुक्त हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन जिस तरह से आतंकी वहां पर हमले कर रहे हैं वो एक बार फिर से ये जताने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर कभी भी आतंकवाद मुक्त नहीं हो सकता, आतंकवादी यहां पर हैं। लेकिन अब ये देखना है कि किस स्ट्रैटेजी के साथ, किस रणनीति के साथ इस वक्त सरकार काम करेगी, खास तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कैसे काम करेगी, सुरक्षा एजेंसियां कैसे जमीन पर उतरेंगी और अपने अपने सोर्सेज और अपने अपने सूत्रों के तहत उन तमाम जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगी जो जड़ें इस वक्त कश्मीर को फिर से उसी राह पर दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो आज से कुछ समय पहले था, 90 का दशक था या फिर 2000 से 2010 के बीच का जो दशक था वो भी हमने देखा है किस तरह से आतंकवाद पनपा है। और पिछले कुछ दिनों में साहिल जम्मू के अंदर भी कई सारे हमले हुए थे, बिल्कुल, ना मात्र कश्मीर बल्कि जम्मू को भी निशाना बनाया गया। बिल्कुल, जम्मू को भी निशाना बनाया गया था, बहुत से हमले देखने को मिले। सबके बीच में सबसे अहम बात ये आती है, कल भी जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी अपना बयान देते हुए नजर आए कि पिछले 30 साल से वो यही चीजें देख रहे हैं, ये झेल रहे हैं, लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, 1990 का दशक क्या वापस लाना चाहते हैं। उसमें बड़ा सवाल यहाँ पे ये आ जाता है, सुरक्षा एजेंसीज वो किस तरह से यहाँ पे कार्य करेंगी और किस तरह से समन्वय बनाकर चलना पड़ेगा केंद्र शासित प्रदेश के गवर्नमेंट को और उसके साथ साथ केंद्रीय गवर्नमेंट को किस तरह से बन सकता है और उसके बाद वहां पे किस तरह के फैसले जो है वो लिए जाएंगे, क्योंकि ये एक चिंता का विषय है लगातार ये हमले होना। इरशाद इस वक्त हमारे साथ बारामूला से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इरशाद, किस तरह से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कितना मुश्किल है, क्योंकि आसान नहीं है, जिस तरह से आतंकवादी पहुंच रहे हैं, हमले कर रहे हैं, उसके बाद गायब हो रहे हैं, उनको संरक्षण भी मिल रहा है और ये भी सबसे बड़ी बात है कि ये जो आतंकी है ये वेल ट्रेन्ड है, अच्छे हथियारों के साथ, आधुनिक हथियारों के साथ पहुंच रहे हैं।
जी बिल्कुल साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम देखा जाए यहाँ पे सरजी इलाके गुलमर्ग की बात करें, जहाँ पे आपको याद है एक दो दिन पहले वहाँ पे जो अटैक किया गया एक आर्मी व्हीकल के ऊपर, हालांकि उसमें कई लोग जो है जांबाग हुए, और उसके बाद जो है सख्त जो तरीन यहाँ पे जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस वक्त भी गुलमर्ग के मुख्तलिफ जो जंगलात में, चाहे हम सरहदी इलाकों की बात करें, क्योंकि इससे पहले की बात करें, क्योंकि लगातार इन्फिल्ट्रेशन बिड को पिछली दफ़ा जो नाकामयाब किया गया फौज की जानिब से, और लगातार जो है इस वक्त वहाँ पे जो फौजी सरबरा यानी कि जो जीओसी 19 इन्फेंट्री डैगर डिवीजन के साथ साथ चाहे दीगर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अफसरान हैं वो बाकायदा तौर पर इस पर मॉनिटर कर रहे हैं। अगर हम इस गुलमर्ग के अटैक के हवाले से बात करें, उस अटैक के बाद जो है बाकायदा तौर पर NIA की टीम वहाँ पर पहुँची, और इस वक्त लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन एक दो दिन से हो रहा है, ये जो मिलिटेंट्स है ये कहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके इस इलाके में पहुँचे और कहाँ पे चूक है, हालांकि वो देखी जा रही है। और बाकायदा तौर पर ये एक दो दिन से जब से ये अटैक हुआ तब से यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है फौज की जानिब से, चाहे हम यहाँ पे CRPF या दिगर शायद बिल्कुल इसमें एक अहम सवाल ये भी उठता है, सर्च ऑपरेशन तो चल रहा है, सुरक्षा एजेंसीज जो है वो अलर्ट मोड पर है, पर उन सबके बीच में ये आतंकवाद जिस तरह से पनप रहा है अब दोबारा से, तो इस किस तरफ इशारा कर रहा है, किस तरह से इसको खत्म करने की जरूरत है? ये आतंकी आजकल अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ये अटैक कर रहे हैं, अटैक करते हैं और भाग जाते हैं, इनका अता पता कुछ लगता नहीं है, सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं तब भी अभी तक अता पता नहीं लग पाया। देखिए साहिल, अगर देखा जाए सरहदी इलाकों की बात करें, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाके हैं जहाँ जहाँ पे फेंसिंग नहीं है, वहाँ पे ये इन्फिल्ट्रेट करके जो है कश्मीर घाटी में आते हैं, और उसके बाद जो है ये अलग अलग इलाकों में जो अटैक्स करते हैं, क्योंकि ये वेल ट्रेन होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो वहाँ पे ट्रेन इनको किया जाता है, और उसके बाद जो है ये यहाँ पे घाटी में आते हैं और उसके बाद इन अलग अलग जगहों पे ये हमले करते हैं। और देखा जाए इस पे बाज़ाब्ता तौर पर रोकने के लिए फौज को भी ये कदम उठाना चाहिए, जो सरहदी इलाकों में यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो जिस तरह से मैंने पहले बताया वहाँ पे कई कई जगहों पे जो फेंसिंग नहीं है वहाँ पे फेंसिंग देने की ज़रूरत है, और पूरी तरह से जो है चाक चौबंद होना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, और ताकि इन हमलों से हमें नजात मिले। और इरशाद, एक और बड़ी चुनौती है, खास तौर पर एक हमला होता है वहां पर जांच शुरू होती है, वहां पर फोकस रहता है तो तुरंत दूसरी जगह हमला हो जाता है, यानी डाइवर्ट हो जाता है, फिर सिक्योरिटी एजेंसीज भी डाइवर्ट होती हैं, सेना भी पुलिस भी डाइवर्ट हो जाती है, और फिर वहां पर जब छानबीन शुरू होती है तो फिर तीसरी जगह हमला होता है। ये जो स्ट्रैटेजी है ये पहले भी हमने देखी है 90 के दशक में, और आज फिर से वही अपनाई जा रही है। इससे निपटने के लिए अभी क्या एक प्लानिंग तैयार की जा रही है, क्योंकि जब तक यहां से भी एक रणनीति तैयार नहीं होगी तो वो प्रॉपर तरीके से पूरा जवाब जो है वो नहीं दिया जा पाएगा। देखिए बिल्कुल, ऐसे तकरीबन चंद साल पहले यानी कि दफा 370 के बाद काफ़ी कंट्रोल हुआ था इस पे, हालांकि जब से यहाँ पे नई सरकार बन गई यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार बन गई, हालांकि तब से लगातार इस तरह के अटैक जो हैं घाटी में हो रहे हैं, यानी कि साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, और देखा जाए इस पे बाकायदा तौर पर फौज भी अपने हिसाब से जो है काम कर रहे हैं, पुलिस भी अपने हिसाब से काम कर रही है, या दीगर जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस के हवाले से बात करें, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पे अगर गुलमर्ग के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर जो गांधरबल पे अटैक हुआ उसमें भी कई आम लोग जो जाने हैं वो चले गए, उसके बाद जो है दूसरा अटैक साउथ कश्मीर के इलाके में हुआ, और उसके बाद जो है यहाँ पे गुलमर्ग में, और देखा जाए फौज को भी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि देखा जाए इस तरह के अटैक जो है वो बिल्कुल इरशाद, इस तरह के अटैक एक चुनौती बने हुए हैं सुरक्षा बलों के लिए। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि उड़ी सेक्टर जो है हमेशा एक हॉट पॉइंट रहा है आतंकवादियों के लिए घुसपैठ करने के लिए, तो उस तरफ पे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं इस वक्त की गई हैं, क्योंकि लगातार ये अटैक होना एक चिंता का विषय है और एक सवालिया निशान भी खड़ा करते हैं।
देखिए अगर जो देखा जाए सर्दी कस्बा उड़ी के हवाले से बात करें, क्योंकि मैं कल लाइन ऑफ कंट्रोल से आया, जो चोटाली है, मैदान है, सिलासन है, यानी कि ये गुलमर्ग से कनेक्ट होता है और वहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो है वो बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। और चाहे हम बैंकरों के हवाले से बात करें, जो बाकी अलग अलग जगहों पर उनके जो यूनिट कायम किए गए वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। और देखा जाए ये जो पिछले दिनों की बात करें, जो हमले लगातार हो रहे हैं, इससे निपटने के लिए जो फौज भी जो है ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद, आप भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत ही वहाँ पर महत्वपूर्ण और बहुत भरी चुनौती है, क्योंकि आतंकवाद के इलाकों को कवर करना है, उसके लिए हमारे सहयोगी हमेशा डटे हुए हैं। तो आगे बढ़ेंगे जरा, एक तरफ जहाँ आतंकवाद से जो सेना है या सेना के जो जवान हैं उनके हमलों में शहादत प्राप्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक बड़ी और दुखद खबर इस वक्त कुलगाम से सामने आ रही है, जहाँ पर सेना की गाड़ी खाई में गिरी है। और बेहद ही ये दुखद मामला, जिस तरह से देखा है, पहले भी हमले लगातार आतंकवाद की तरफ से हो रहे हैं।